यूं तो सावन का महीना चल रहा है, फिर भी मिथिलांचल में नवविवाहिता मधुर सावनी का पर्व 15 दिनों तक नियम पूर्वक मनाती है। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। भारतवर्ष एक विभिन्नताओं में एकता का देश, इस गुलदस्ते में तमाम तरह के फूल सजे हैं। उसी तरीके से मधुश्रावणी में नवविवाहिता बहुत जगह से फूल तोड़ के मंदिरों में बैठ करके उस फूल को सजाती है और मिथिलांचल की लोक गीतों का वहाँ पे सुनने को मिलता है। आपको बात बताते चले, भारत में यूँ तो कई राज्य हैं और हर राज्य में हर रोज़ एक पर्व मनाया जाता है। खास करके मिथिलांचल की बात करें तो यहाँ पर्व का तो अलग ही महत्व है। नवविवाहित के लिए ये जो मधुश्रावणी का पर्व, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। इसमें नवविवाहित ससुराल से आए 15 दिन तक ससुराल का ही अन्न ग्रहण कर यह मधुश्रावणी का पर्व करती है। सहेलियों के साथ मिलकर विभिन्न तरह के फूल दलिया में चुनती है और मंदिर में बैठ करके जो दलिया होता है फूलों का उसे सजाती है और लोक जो गीत होता है मिथिलांचल का वो गाती है। ये मधुश्रावणी पर्व है और ये सभी सुहागनें अपने पति के लिए करती है, पति की लंबी उम्र के लिए। इसमें क्या क्या करते हैं आप लोग? इसमें हम लोग सुबह उठ के फूल तोड़ते हैं, उसके बाद पूजा होता है, दशहरा का पूजा होता है और फिर दोपहर में मंदिर, हर मंदिर पे जा करके वहाँ पे फूल तोड़ते हैं। अच्छा, इसमें क्या कुछ विधि विधान क्या है इसका? इसका विधि विधान यही है कि पूर्वज में जो मतलब हुआ था उसका कथा सुनते हैं और विधि विधान से पूजा होती है। कितने दिनों तक ये पूजा करते हैं आप लोग? ये पूजा 14 दिन तक चलता है और 15वां दिन फिर से शादी होता है, टेम भी दागा जाता है और संपन्न किया जाता है। क्या नाम है आपका? निधि कुमारी। मिथिला का लोक महत्वपूर्ण पर्व जो सभी विवाहित जो नवविवाहिता औरतें हैं वो करती है अपने पति के लंबी उम्र के लिए और यह 13 या 14 दिनों का होता है लगभग। इसमें जो है मतलब मुख्य देवी देवता नाग और नागिन का पूजा किया जाता है और इसमें मुख्य मतलब पूजा होता है, इससे सुहाग मतलब बढ़ने का यही प्रथा है और सुबह उठकर हम लोग पूजा इसमें मतलब सभी ससुराल के मतलब सभी ससुराल के ही अन्न और पानी सब मतलब जो नवविवाहिताएं होती है वही खाती है और अपने मायके की कुछ नहीं और उसी से हर चीज माना जाता है। कहा जाता है कि 15 दिनों तक ये 15 दिनों तक यह पर्व चलता रहता है और इसे बहुत नियम से किया जाता है और इसमें कोई ऊंचा नीच नहीं होना चाहिए, मतलब बिना नमक का खाना और भी एक टाइम ही खाइए, मतलब शाम होते पानी कुछ नहीं पीना चाहिए। हम लोग ये फूल लोटते हैं और अगली सुबह जब हम लोग पूजा करते हैं तो इसको हम लोग नाग देवता के ऊपर चढ़ाते हैं और ये 15 दिन का पर्व होता है जिसमें कि आखिरी दिन पे फूल लोटते नहीं है लेकिन पूजा बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है और जिसमें हम लोग इसके आखिरी दिन में हम लोग एक पूजा बोलते हैं, टेमी पूजन बोला जाता है, जिसमें हमारी जो ननदें रहती हैं वो पैर और घुटनों पर दागती हैं, जिनको मतलब दाग होना चाहिए जिससे ये शुभ माना जाए, ये दाग हम लोगों के लिए शुभ माना जाए।